फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बताने वाली हूँ आपको वो इजी एक्टिविटी जो आप इजीली करा सकते हैं घर पे, और बच्चे का जो ओरल लेकिन ना मोटर स्किल्स होते हैं वो डेवलप होंगे, और बच्चे का थोड़ा जो भी अगर प्रॉब्लम होगी तो क्लियर होगी। ये स्पीच में हेल्प करती है एक्टिविटीज़, ये मेरे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कराती थी, तो आज मैं आपको बताती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। आर यू रेडी? जोर से आई एम रेडी, ऐसे आई एम रेडी, आई एम रेडी, यस। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला, आपके बच्चे फ्रूटी वगैरह पीते होंगे या फिर कहीं से भी आपके पास स्ट्रॉज होते ही होंगे, राइट? या फिर आप ही कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते होंगे तो उसका स्ट्रॉ बचा लीजिए। ये इसके फ्रूटी का है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्च किया है लेकर के आने के लिए। ये फ्रूटी वाला ही स्ट्रॉ मैं यूज़ कर रही हूँ, और मैं दिखाती हूँ कि आप क्या क्या करा सकते हैं। एक्सरसाइजेज सबसे सिंपल होती हैं और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीच डेवलपमेंट। ये मुझे मेरे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने ही बताया था, तो वो ये एक्टिविटीज़ कराती थी जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो उसमें सबसे ईजी है, आप ऐसा स्ट्रॉ लीजिए कोई भी, एंड पेपर होता है ना उसको टीयर करने के लिए, बच्चे को दीजिए, टीयर करो, टीयर करो। इसमें और भी एक्टिविटी बन जाएगी बच्चे के लिए, टीयर पढ़ो एंड ऐसे ऐसे रोल करो। देखो लुक मामा क्या कर रही, ये इनको मैचिंग एक्टिविटीज़ बन जाएगी। तो ये ट्राई करेंगे, ये आपको इमिटेट करना, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। एंड ऐसे करो, ऐसे लुक, ये मेक इट लाइक मामा, बॉल बनाओ उसका, बॉल बनाओ उसका, यस बॉल बनाओ, वेरी गुड, ओके, शो मी योर बॉल, शो मी, वाओ कितना सुंदर बनाया अनिरुद्ध ने। एंड यहाँ पे आप इस तरह से रख दीजिए, एक मिनट मैं थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करूँ। पेपर बॉल्स जो आप उसको बोलेंगे कि आप चाहिए तो कैसे भी आप पहले रख सकते हो, एंड इसको अनिरुद्ध ऐसे ब्लो करना करो। ये आपका स्ट्रॉ, ये मामा का स्ट्रॉ, ब्लो करो ऐसे, वेरी गुड। इसको मम्मा के पास तक लाओ, पूरा मम्मा के हैंड में दो, ना 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 ऐसे नहीं, ब्लो करके, वेरी गुड। इधर 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 लाना है ना आपको, इधर से पकड़ो, हाँ इधर से पकड़ो पकड़ो, वेरी गुड। ये बाकी भी दे दो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, फिर ये थोड़ा टेढ़ा है स्ट्रॉ, तो उसको मुझे उसको बोलना पड़ रहा है कि करना इस तरह से पकड़ो ना, वेरी गुड वेरी गुड। ये वाला लास्ट वन, वेरी गुड। दिस इज हाउ वो उनका कैसा रहेगा, एक कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, एक पे ध्यान जाता है। और चाहिए तो स्टार्टिंग में आप बोलिए सिर्फ ब्लो करने के लिए, एक बॉल छोड़ते हैं तो बच्चों को मज़ा आता है। एंड जब एक स्ट्रीम लाइन रहता है, एक पे फोकस रहता है, तो ज़्यादा एनर्जी लगती है और वो काफ़ी हेल्प करती है डेवलपमेंट ऑफ स्पीच। इसके साथ आप क्या करा सकते हो, ये इनिशियली आपको कराना है स्टार्टिंग में, ये हो जाए तो उसके बाद आप थोड़ा बड़ा चीज़ रख सकते हो, जैसे ये सीड्स आते हैं लाइक सीड्स, कस्टर्ड एप्पल सीड या फिर कोई भी लाइक थोड़ा सा मोटा सीड रहे वैसा आप रखिए, और उनको बोलिए अब ये ब्लो करना है, अनिरुद्ध ब्लो करो, ये आप ऐसे करो और इसको हैंड से पकड़ना है, यस वेरी गुड, थोड़ा ऊपर करके करो, हाँ और ऊपर 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 ऊपर, इसको पकड़ो अच्छे से, इसमें इनको ज़्यादा दम लगता है, राइट? ये थोड़ा सा मोटा है, इनको ज़्यादा दम लगा और ये इफेक्टिव भी और ज़्यादा रहेगा। दिस इज़ हाउ यू कैन टेल योर चाइल्ड कि उसको मोटिवेट कर सकते हैं। पॉम पॉम्स आते हैं ऐसे, तो पॉम पॉम उड़ाओ, ये उठा उड़ाओ बेटा, हाँ उड़ाओ उड़ाओ, हाँ सॉफ्टी सॉफ्टी ना इसको उड़ाओ, ये ऐसे भी ईजिली हो गया। इसके साथ आप ये गेम भी खेल सकते हो, पॉम पॉम या फिर पेपर बॉल, एक कोई रेख रखो, पॉम पॉम्स आर ईजी टू हैंडल। गेम खेलने के लिए रुको, आप एक साइड हो जाओ, बच्चा एक साइड हो जाए, एंड चलो आप इधर मारो,
हाँ रुको, ओके, ओ मम्मा आ गई, रुको, अब मम्मा मम्मा स्टैंड, हाँ, एंडिका गोल नहीं हो पाया, ऐसे एक फुटबॉल गेम या इस टाइप का आप कुछ खेला सकते हो, जिसे बच्चे को और ज़्यादा मज़ा आता है एंड दे लव टू प्ले, और फोकस एक जगह उनका रहेगा, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप फर्स्ट लेवल पेपर बॉल रख सकते हो, उससे खेल सकते हो। पहले आप उसको स्टार्टिंग में से ब्लो करना सिखाइए, फिर उसको फोकस करना सिखाइए, एक बॉल मतलब चार पांच शब्दी जो उसको बताइए कि कौन से वाले बॉल पे मारना है, देन वो फोकस भी बढ़ाएगा और उसका ब्लो जब भी बढ़ेगा तो स्पीच भी डेवलपमेंट होगा। अलॉन्ग विद डैट आप पॉम पॉम से गेम खेल सकते हो जो मैंने आपको दिखाया, फुटबॉल टाइप का, जो लाइक एक प्लेयर एक साइड बैठे, दूसरा प्लेयर दूसरे साइड बैठे, टेबल पे एक पॉम पॉम रख दीजिए और दो स्ट्रॉक की जरूरत रहेगी, एक प्लेयर मारे और दूसरा प्लेयर मारे और जिसका भी गोल हो जाए, तो ये बच्चों को मज़ा भी आएगा खेलने में। ये सेकेंड लेवल पे या थर्ड लेवल पे ही होगा आपको, पहले उनको फोकस करना सिखाना पड़ेगा, पहले उसको ब्लो करना सिखाना होगा, सबसे पहले वो आप पेपर बॉल से कर सकते हो, फिर उसके बाद उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, फोकस करने के लिए कौन सा वाला आपको चार पांच जब रख दोगे बॉल, पेपर बॉल इस तरह से, तो उनमें आपको दिखाना होगा कि थर्ड वाले पे मारो तो वो थर्ड वाले पे मारना चाहिए। तो इस तरह से आप ये सीड वाला कर सकते हो। सीड वाला थोड़ा हैवी रहता है तो ज़्यादा एयर निकालना पड़ेगा बच्चों को, और ये ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज होगी बच्चे के लिए एंड इट विल हेल्प इन स्पीच डेवलपमेंट। ये इवन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कराते हैं और वही जो उन्होंने मुझे सिखाया है थेरेपी में, ये करवाना है एक्टिविटी, वो मैं आपको बता रही हूँ, ये आप घर में करा सकते हो। आपको कोई भी नया प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके पास घर में ऑलरेडी है वही बताया है। पेपर बॉल्स ईजिली मिल जाएंगे, कस्टर्ड एप्पल या फिर कोई भी सीड इस तरह का बड़ा आपको आराम से मिल सकता है। एंड पॉम पॉम हमारे घर में नहीं है तो आप इवन पेपर बॉल से भी खेल सकते हो, थोड़ा बड़ा पेपर बॉल बना लो, उसके साथ खेल सकते हो आप बच्चों के साथ। इस तरह से बच्चों का डेवलपमेंट होगा स्पीच का, क्योंकि ब्लो करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर इस बच्चों ऐसे बच्चों में देखा जाता है वो ब्लो नहीं करते हैं, स्पीच में डिले होता है या स्पीच में प्रॉब्लम आती है। सिट अनिरुद्ध प्रॉपर्ली। तो इस तरह से आप ये एक्टिविटीज़ ट्राई कर सकते हैं एंड डू लेट मी नो कौन सा वाला आप स्टार्ट कर रहे हो और कैसा आपके बच्चे ने किया। यू कैन शेयर योर पिक्चर्स एज वेल विद मी, सिट प्रॉपर्ली ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम अकाउंट आपको डायरेक्टली मेरा नीचे दिख जाएगा एंड विद डैट नोट आई विल सी यू वेरी वेरी सून। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, बिकॉज मैं बहुत सारी और एक्टिविटीज़ लेकर के आने वाली हूँ अलॉन्ग विद मैनी अदर थिंग। अभी नेक्स्ट वीडियो मैं हीलिंग वाला लेकर के आने वाली हूँ, आई होप वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा एंड ये भी आपको बहुत हेल्प किया हो। अगर हेल्प किया हो तो गिव इट अ थम्स अप एंडी, शो देम थम्स अप, शो योर थम, थम्स अप करिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा सबके साथ। बाय बाय।